ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपाउंड. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शंस बाय नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स. तो इसको हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस जो कि टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बना होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. तो वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है. और उसकी सब्सटेंस की डेफिनेशन पे वो पूरा हो रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मैटर, ठीक है. इसलिए उसको हम एक सब्सटेंस बोल रहे हैं. तो वो अब हमारे पास टू एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. एक है हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन. अब हमारे पास दे रिएक्ट टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस. अब फिक्स प्रोपोर्शंस में कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं कि वाटर बनाना है तो टू हाइड्रोजन एटम्स आएंगे फ्रॉम हाइड्रोजन एलिमेंट और वन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम आएगा ऑक्सीजन एलिमेंट से, ठीक है. तो ये हमारे पास 2:1 की प्रोपोर्शन में ये रिएक्ट करेंगे और वाटर बनाएंगे. तो इट मीन्स वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है. अगर हम अनदर एग्जाम्पल ले लें, इसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर कोई और कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है. ज़रूरी नहीं कि वो वाटर ही बनाएंगे, बट उनकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग प्रोपोर्शंस होंगी वो डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाना है, ठीक है, देन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट रिएक्ट विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट. ओके, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज अगेन अ कंपाउंड, ठीक है. तो ये हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है. कंपाउंड की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज कि जब ये एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो दे कंबाइन विद द नेचुरल फोर्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. तो वाटर भी हमारे पास जो है वो नेचुरल फोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है. इनको केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है. और इस केमिकल बॉन्ड में पर्टिकुलरली अगर हम इसको नाम देंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा. एंड जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम बॉन्ड की टाइप्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, तो ये हमने डेफिनेशन जो है वो कंपाउंड की प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ली है. अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंपाउंड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर मेड. इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो वाटर कंपाउंड है वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, वो हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. तो वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से डिफरेंट होंगी, ठीक है. जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. लेकिन जब दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं तो वाटर बेसिकली हमारे पास लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. तो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल्स में हमारे पास हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड. ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे पास उनकी जो है वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है बिकॉज वो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है. वो प्योर सब्सटेंसेस हैं और किसी भी सोर्स से अगर हम कोई एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है वो अगर हम टू डिफरेंट सोर्सेस से ले लेते हैं हाइड्रोजन को, जैसे हम वाटर में से हाइड्रोजन को ले लें या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन को ले लें, ठीक है. तो इसकी जो है हमारे पास इसके एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल ही होंगे अगर हम इसको किसी भी सोर्स से ले लें, ठीक है. या अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में अगर हम वाटर को रिवर सोर्स से लें या ओशियन सोर्स से लें या वेल सोर्स से लें, तो किसी भी सोर्स से हम इसको लेंगे इसका फॉर्मूला H2O ही होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ
pure substance. The next definition is difference between the molecule and a compound. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास है कि इसका हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस हम नोट डाउन कर लें, बिकॉज हम वाटर को ही कंपाउंड भी कहते हैं और वाटर को ही हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं. तो इन दोनों की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. अ मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइंड टुगेदर. जैसे कि अब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और इसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स जो है वो ज्वाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट कंपाउंड, मॉलिक्यूल की एक ऐसी फॉर्म, ठीक है, यानी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स. अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास CO2 है, तो इसमें कार्बन का एलिमेंट भी आ गया और ऑक्सीजन का एलिमेंट भी आ गया, ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा. लेट्स सी, इसको हम अनदर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ब्रॉडर एक डेफिनेशन है, ठीक है. यहाँ पर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लिख रही हूँ मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन, वाटर, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये टू और मोर एटम से मिलकर बने हुए. एलिमेंट्स की बात नहीं करनी हमने. मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्या है कि हमारे पास मोर देन टू एटम्स, ठीक है, टू या टू से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने होते हैं. तो ठीक है, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो कंपाउंड्स में टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए. तो यहाँ पर हमारे पास HCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं ये मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये हमारे पास कंपाउंड्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है. तो एट दी एंड हमने क्या कंक्लूड किया कि ऑल मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, सॉरी, ऑल कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है. वाटर जो है वो मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, और HCl और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हैं, बट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड हों, ठीक है. अगर वो सेम एटम से मिलकर बने हुए हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने हुए, तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे. अगर डिफरेंट से मिलकर बने हुए तो उनको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द दिस वीडियो लेक्चर, कि आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे कैसे नोट डाउन करना है, डेफिनेशंस विद एग्जांपल, मैटर, सब्सटेंस एंड एलिमेंट, ठीक है. एंड एट द एंड आपने कंपाउंड को किस तरीके से नोट डाउन करना है और उसके डिफरेंस को. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.